उनसे भी मैं मुलाकात की थी। लगातार हम अपने आदरणीय नेता जो बचपन से जिनको मैं संघर्ष करते देखा, मोहन प्रकाश जी, समाजवादी से लेके पुराना जनता दल, जिनका लंबा सानिध्य मुझे प्राप्त रहा है, एक मजबूत आवाज हुआ करते थे और आज एक मजबूत विचारधारा है मेरे लिए। मैं लगातार, हमारा आग्रह था और हम वैसे कांग्रेस आइडियोलॉजी के साथ और हमारी आधी पूरी परिवार कांग्रेस विचारधारा के साथ रहे। आज हम, हमारे बेटे, हमारे जनरल सेक्रेटरी, कुछ लोग आए हैं, कुछ छात्र, कई एमएलए, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर अखलाक जी, रामचंद्र जी, अन्य लोग नहीं आ पाए चूंकि निर्णय खैरा साहब का फोन गया और जो ट्रस्ट हमें प्राप्त हुआ, इस दुनिया के सबसे संघर्षशील व्यक्ति, मैं समझता हूं कि वर्ल्ड के हिस्ट्री में 4,000 से 4,500 किलोमीटर पैदल, 6,000 किलोमीटर बाय रोड, आज तक की हिस्ट्री में जब आदमी ट्वीट पर सबको सब कुछ बता देता हो, एक रूम से दूसरे रूम, वहां एक हाफ गंजी में माइनस में चलने की हिम्मत, और एक दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ आवाज और लड़ने की हिम्मत जो जिस व्यक्ति में, वो आदरणीय राहुल गांधी जी, उनका ट्रस्ट, और एक हमारी जो सबसे ज्यादा जिसको मैं लाइक करता हूं, आदरणीय प्रियंका जी, जो उसकी डायनामिक और डैशिंग आवाज है, सोच है और एक लक्ष्य है, उनका ग्रेसिंग, उनका ब्लेसिंग और उनका ट्रस्ट मेरे लिए कांग्रेस में काफी है। बस मैं इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। इस पूरी कांग्रेस परिवार ने जो सम्मान दिया और उस दो व्यक्ति के विश्वास ने जिस तरीके से हमें हिम्मत दी, अब उस बहन प्रियंका जी और उस संघर्ष के प्रतीक राहुल गांधी जी, भले ही ईबीएम, पूंजीपति, मीडिया और सीबीआईईडी के द्वारा कोई पीएम 400 पार कर ले, इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ का किसी ने दिल जीता है तो राहुल गांधी, किसी ने उम्मीद जगाया है तो राहुल गांधी जी हैं, और उसके बाद जो उनकी लड़ाई ओबीसी को लेकर के है, दलितों को लेकर के है, जो कमिटमेंट सामाजिक न्याय को लेकर है, पूरी हिंदी पट्टी, बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड, मैं एक बहुत साधारण गिलहरी की तरह एक उस लड़ाई का भागीदार बनना चाहता था। हमेशा हमें लगता था कि इस देश को सेव करने के लिए, इस डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को और संविधान की रक्षा के लिए, साथ साथ 130 करोड़ जहां किसान, व्यापारी, युवा और महिलाएं सब परेशान है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अलावे दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए आज जन अधिकार पार्टी, जो एक मजबूत पार्टी बिहार में कही जाती रही है, संघर्ष में सबसे ऊपर, सेवा में सबसे ऊपर, भले ही मेरी सत्ता में भागीदारी नहीं थी लेकिन मेरी उपस्थिति देश में मजबूती के साथ थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।